Assalamualaikum, welcome to Guria Fashion Food Factory. आज की वीडियो में मैं बनाने जा रही हूँ बैक नेक डिज़ाइन. आप चाहें तो इसे फ्रंट नेक पे भी बना सकते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, ट्रेंडी है बहुत ज़्यादा. चलें तो फिर वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं. इसके लिए मैंने ये नेट ली है. आप चाहें तो कुछ और भी प्रिंटेड कपड़ा भी ले सकते हैं और साथ ये मैंने एक सेल्फ प्रिंट में एक पट्टी ली है. इस पट्टी की चौड़ाई 2.5 इंच है और इसकी लंबाई जो है जितनी हमें चाहिए होगी हम ले लेंगे. 4 इंच पे मैंने निशान लगाया, ऊपर से मैंने 4 इंच पे निशान लगा दिया. इसके बाद यहाँ पर हम बॉक्स प्लेट डालेंगे 3 इंच की. 3 इंच की यहाँ पर प्लेट डलेगी और उसके बाद यहाँ पर 1.5 इंच का गैप डलेगा और फिर दोबारा 3 इंच की प्लेट डलेगी. पहली प्लेट डाली है मैंने 3 इंच की, फिर 1.5 इंच का गैप दिया, फिर 3 इंच की प्लेट, फिर 1.5 इंच का गैप, फिर 3 इंच की प्लेट. सेम निशान इस तरफ भी लगा लेने हैं और इसके बाद इसकी स्टिचिंग करेंगे. अब यहां पर हम सिलाई लगा देंगे 3 इंच की जो प्लेट है. पहली प्लेट मैंने डाल ली है, अब यहां से हम दूसरी प्लेट डालेंगे. मैंने नेट का कपड़ा ले लिया है, इसके एक तरफ जो है ये डिज़ाइन बना हुआ है जैसे लेस का होता है, तो इसको मैं ऐसे डबल करके यूज़ करूँगी. हाफ डिज़ाइन एक तरफ आएगा और हाफ डिज़ाइन एक तरफ आएगा और इसमें से जितनी मुझे चौड़ाई चाहिए होगी मैं निकाल लूँगी. अब गले की मेजरमेंट के लिए मैंने ये एक पेपर लिया है. इस पेपर पर हम कटिंग करेंगे. इसके बाद जो है उस हिसाब से मैं कपड़े को कट करूँगी. इसको मैं ऐसे डबल कर लेती हूँ जैसे शर्ट डबल होती है, क्योंकि हम शर्ट को ऐसे फोल्ड करके कट करते हैं तो इसी तरह गले को भी हम फोल्ड करके कट करेंगे. बोट नेक बना रही हूँ मैं, तो ये 4 इंच में चौड़ाई ले रही हूँ, 10 इंच में इसकी लंबाई ले रही हूँ. यहाँ से मैंने 3.5 इंच ले लिया और ऊपर से ये 4 इंच है, 1/2 इंच मैंने चौड़ाई कम कर दी. अब इसको ऐसे मिला देंगे. ये मैंने गले के लिए ड्राफ्टिंग की है, इसको मैं कट नहीं कर रही, जस्ट दिखाने के लिए कि इतना सा जो है यहाँ पर ये बैक नेक बन जाएगा. अगर आप फ्रंट नेक बनाएंगे ये थोड़ा सा और डीप हो जाएगा और यहाँ पर जो है इस पे हम अपनी डिज़ाइनिंग करेंगे. इस हिसाब से जो है हमें कपड़ा चाहिए होगा, हम कपड़ा ले लेते हैं. देखिए साइड्स पे ये जो है बॉर्डर बना हुआ आ गया है. अगर आपके पास ये बॉर्डर नहीं बना हुआ तो आप सिलाई का मार्जिन छोड़ के जो है कटिंग करेंगे ताकि इसको फोल्ड करें. आप यहाँ से फोल्डिंग का आप मार्जिन छोड़ेंगे, लेकिन मुझे फोल्ड नहीं करना इसलिए मैंने ये सिलाई का मार्जिन नहीं छोड़ा. इसके दरमियान में अब ये मैं पट्टी सिलाई करूँगी.
मैं इसको डीप रखूंगी क्योंकि ये बैक नेक है और 4 इंच मैंने इसको चौड़ा रखा है। बैक नेक यहाँ से बिल्कुल मैंने स्टिच कर ली है, जस्ट इसको यहाँ पे तरपाई करनी है। यहाँ से इसको नाप के देख लें, कंधा बिल्कुल बराबर आ रहा है, दोनों शोल्डर्स एक दूसरे के बराबर हैं। अब यहाँ पर जो मोती लगाने हैं हम वो पहले लगा लेंगे। आप चाहें तो इसे फ्रंट नेक पे भी बना सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगेगा। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।